हेलो एवरीवन, करंट अफेयर्स टू एमसीक्यू की सीरीज़ में एक नई सीरीज़ हम स्टार्ट करें जो आपको वेरियस एग्जाम्स को क्रैक करने में हेल्प करेगी। यहाँ पर जो करंट अफेयर्स होंगे उनको हम एमसीक्यू के थ्रू समझेंगे। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी, माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर जहाँ पे भी करंट अफेयर से कंसर्निंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पर आपकी हेल्प होने वाली है। आप चाहें तो नोट्स बना के भी इन एमसीक्यूज को रिवाइज कर सकते हैं, या फिर नेटमो की एप्लीकेशन पर भी ये एमसीक्यूज एवरीडे बेसिस पे अपडेट किए जाते हैं, वहाँ पर भी जाकर इन्हें प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे जो मार्किंग स्कीम रहेगी वो आपको मार्क्स जितने भी आपके आते हैं इन 10 एमसीक्यूज में, जितने भी एमसीक्यूज आप करेक्ट कर पाते हैं उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, क्योंकि अगर आप रेगुलर बेसिस पे मार्क्स को अपने कमेंट सेक्शन में लिखते हैं तो उससे आपको अपनी इंप्रूवमेंट का पता चलेगा कुछ टाइम के बाद, जब आप रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते रहते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोर्टल टू मॉनिटर एंड रिकॉर्ड एफर्ट्स एंड टू कॉम्बैट COVID-19 रिलेटेड चैलेंजेस लॉन्च्ड बाय HRD मिनिस्ट्री। HRD मिनिस्ट्री ने अभी एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसके अंदर COVID-19 से कंसर्निंग जितने भी एफर्ट्स लिए हैं गवर्नमेंट ने वो होंगे, किस तरीके से इसे कॉम्बैट किया जा सकता है और इसके द्वारा जो चैलेंजेस रखे गए हैं वो कौन कौन से हैं। तो HRD मिनिस्ट्री ने कौन सा ऐसा अभी एक पोर्टल लॉन्च किया, क्या वो शक्ति पोर्टल है, युक्ति पोर्टल है, शिक्षा या संचय, इन चारों में से वो पोर्टल कौन सा है, सोचिए क्या नाम होगा उसका, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, अभी रिसेंटली HRD मिनिस्ट्री ने युक्ति पोर्टल जो है उसको लॉन्च किया है जिसके थ्रू COVID-19 से रिलेटेड जितने भी चैलेंजेस हैं या फिर इसको कैसे कॉम्बेट किया जा सकता है, जो हमने एफर्ट्स लिए हैं वो सभी जो है यहाँ पर रिकॉर्ड किए जाएंगे। ये देख सकते हैं हम, एक वेब पोर्टल है MHRD का है, युक्ति पोर्टल अनेबलिंग MHRD इंस्टीट्यूशन अक्रॉस इंडिया टू शेयर देयर स्ट्रेटजीज फॉर चैलेंजेस दे फेस। तो COVID-19 को काउंटर करने के लिए जो जो स्ट्रेटजीज हैं उसको भी यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा ताकि एक दूसरे से यहाँ पे लर्निंग के बाद COVID-19 को काउंटर किया जा सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जालियांवाला बाग मैसेकर के ऊपर है। तो जालियांवाला बाग मैसेकर जो था वो किस दिन हुआ था, डेट आपसे पूछा है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको, न्यूज में क्यों था ये भी मैं आपको बताऊंगा, बट पहले चार ऑप्शन को कंसिडर करिए, सोचिए क्या आंसर होगा, फिर मैं बताता हूँ आपको। चलिए देखिए, आंसर हमारा यहाँ पे करेक्ट है ए, अप्रैल 13, 1919 को जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था और 13 अप्रैल अभी रिसेंटली गई है, इसी की वजह से इसका जो मेंशन था वो न्यूज़पेपर में किया गया था। ठीक है, जलियांवाला बाग जो मैसेकर है जाना किस लिए जाता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो जनरल डायर ने ब्रिटिश ट्रूप्स को ऑर्डर दिया था ओपन फायरिंग का इंडियंस के ऊपर, उस चीज़ के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर। और ये जो लोग इकट्ठे हुए थे, इंडियंस जो इकट्ठे हुए थे जिनके ऊपर यहाँ पे फायरिंग करी गई थी, उनका पर्पस क्या था, वो रॉलेट एक्ट जो पास होने वाला था उसके अगेंस्ट में एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे अमृतसर के अंदर, और यहाँ पे इस वजह से जो अंग्रेज़ों को ये चीज़ पसंद नहीं आई और उन्होंने ओपन फायरिंग करवा दी। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो होगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अलोंग विद गूगल विच स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर इज मेकिंग अ सॉफ्टवेयर सिमिलर टू आरोग्य सेतु टू एनेबल COVID-19 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। आपको पता है कि हमारी गवर्नमेंट ने एक डायरेक्शन जारी करी है सभी लोगों के लिए कि आप आरोग्य सेतु ऐप को डालिए, इससे होगा क्या, आरोग्य सेतु एप्लीकेशन से आपको जो भी पोटेंशियल पेशेंट हो सकते हैं COVID-19 के उसके बारे में नोटिफिकेशन मिल जाएगा ताकि आप अपने आप और उनके बीच में एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन कर सकें। ठीक है, तो COVID-19 पेशेंट्स के कॉन्टैक्ट में ना आए आप, उस चीज़ के लिए ये ऐप आपको प्रोटेक्ट करेगी ताकि आप और जो पेशेंट है उसके बीच में डिस्टेंस बना रहे। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, वो ये कह रहा है कि अलोंग विद गूगल विच स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर इज मेकिंग अ सॉफ्टवेयर सिमिलर टू आरोग्य सेतु जो कि COVID-19 के कॉन्टैक्ट को ट्रेस करने में हेल्प करेगा। देखिए, ये पर्टिकुलर ऐप बनाई गई है, अब काफ़ी सारी कंपनीज हैं इस तरीके की सिमिलर ऐप्स बना रही हैं। अब पूछा गया है कि गूगल के अलावा ऐसी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर इन चारों में से कौन सा स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर है जो कि इस तरह की एक मिलती जुलती एप्लीकेशन को बना रहा है। चलिए, आई होप आपने आंसर सोच लिया होगा इसका। तो इसका आंसर है बी, एप्पल। तो एप्पल कंप्यूटर्स जो है उसने अप्रैल 11 को भी 3-4 दिन पहले ही अनाउंस किया था कि वो भी आरोग्य सेतु जैसी एक एप्लीकेशन बनाएगा जो कि वेरियस COVID-19 के जो पेशेंट्स हैं उनको ट्रेस करने में हेल्प करेगा। ठीक है, क्योंकि अभी हमारी जो आरोग्य सेतु ऐप है उसका भी ये काम है, COVID-19 के जो पेशेंट्स हैं उनको ट्रेस करती है ताकि जो लोग अभी हेल्दी हैं वो उनके कॉन्टैक्ट में ना आए। सिमिलर ऐप जो है अब एप्पल भी बनाने वाला है। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। अगर आपने आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड नहीं करी है तो उसे प्लीज़ करिए, और उसके अंदर एक असेसमेंट टेस्ट होता है, उसमें प्लीज़ बिल्कुल सही सही आंसर करके अपने आप को रजिस्टर करवाइए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4, विच स्टेट इज द फर्स्ट इन इंडिया वेयर द कर्व ऑफ COVID-19 इन्फेक्शन हैज बिगिन फ्लैटनिंग। तो ऐसा कौन सा पहला स्टेट बन गया है इंडिया का जहां पे जो COVID-19, देखिए कर्व क्या होती है, ये कर्व है, ये केसेस जो थे बढ़ रहे थे और एक पॉइंट के बाद इस पर्टिकुलर स्टेट में कर्व फ्लैट हो गई, मतलब यहां पे स्टेबिलिटी आ गई नंबर ऑफ केसेस के अंदर। ठीक
ठीक है। अब ये नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कर्व नीचे जाने लगेगी, मतलब नंबर ऑफ केसेस कोविड 19 के कम होने शुरू होंगे, लेकिन फिलहाल अभी ये वाला स्टेज अचीव हुआ है, दैट इज जो कर्व है आपकी वो फ्लैटन हो गई है, जो स्टेबिलिटी है नंबर ऑफ केसेस में वो आ गए। तो इंडिया का ऐसा पहला कौन सा स्टेट बना है जहां पर ये चीज देखी गई है, क्या वो उड़ीसा है, क्या वो तेलंगाना है, केरला है, या फिर यूपी है, इन चारों में से वो कौन सा स्टेट है सोची। चलिए तो यहां पे हमारा आंसर है केरला इज दैट पर्टिकुलर स्टेट। जो लोग यूपीएससी के एमसीक्यूज फॉलो करते हैं उनको ये चीज पता होगी कि केरला को हमने पहले भी डिस्कस किया था। केरला को किस कॉन्टेक्स्ट में हमने डिस्कस किया था, केरला को हमने डिस्कस किया था कि केरला जो है काफ़ी प्रोएक्टिव है किस चीज़ के अंदर, कोविड 19 को लेके, क्योंकि कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी जो है इसके लिए भी आईसीएमआर से अप्रूवल लेने के लिए सबसे पहले कौन सा स्टेट गया था, हमारा केरला ही गया था। तो ये उसकी प्रोएक्टिवनेस को दिखाता है, केरला ने सबसे पहले आईसीएमआर से मांग करी कि आप सीपीटी जो है हमारा कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी जो है जिसको कोविड 19 के पेशेंट्स पे आजमाया जा सकता है एक तरीके से एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे, उसका हमें अप्रूवल दीजिए। और जो वेरियस मेडिसिन भी जो यूज़ करी गई कोविड 19 के पेशेंट्स के ऊपर, उसमें भी सबसे पहले अप्रूवल जो था वो केरला ने लिया था। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर स्टेट काफ़ी सारे एफर्ट्स ले रहा है, काफ़ी इनिशिएटिव ले रहा है कोविड 19 को काउंटर करने के लिए, और इसी वजह से जो रिजल्ट्स भी सबसे पहले देखे गए हैं पॉजिटिव रिजल्ट्स वो भी केरला में देखे गए हैं, जहां पे कर्व ने फ्लैटन होना शुरू कर दिया, मतलब नंबर ऑफ केसेस जो है वो स्टेबलाइज हो रहे हैं, और अब आगे आने वाले टाइम में ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट्स 2020 वाज ऑब्जर्वड ऑन। तो ये पर्टिकुलर डे जो है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है, क्या अप्रैल 11th, 12th, अप्रैल 13th, अप्रैल 10th, सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस 2020 जो है ये ऑब्जर्व किया गया है अप्रैल 12th को। दिस वाज द डे जब पहली बार जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जो थी वो गई थी यूरी गैंगरिन जी को लेकर, फर्स्ट ह्यूमन बीइंग टू जर्नी इनटू आउटर स्पेस। सो दिस वाज द डे जब पहली ह्यूमन स्पेस फ्लाइट गई थी और उसके अंदर यूरी गैंगरिन जो कि फर्स्ट ह्यूमन बीइंग थे उन्होंने जर्नी करी थी आउटर स्पेस की। तो ये जो दिन है ये भी ध्यान रखिएगा, न्यूज़ में पूछा गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो कि सार्क के बारे में पूछा गया। सार्क कंप्राइजेस हाउ मेनी मेंबर्स, तो सार्क के अंदर कितने मेंबर्स हैं सोचिए, और उसके बाद नंबर बताने के अलावा जो जो कंट्रीज इसके अंदर इन्वॉल्व हैं उसके नाम भी बताऊंगा मैं आपको। चलिए देखिए एट प्रेजेंट जो है इसके अंदर 8 मेंबर्स हैं, सो डी इज द करेक्ट आंसर। सार्क के अंदर, सार्क की फुल फॉर्म आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, राइट। और यहाँ पर जो मेंबर्स हैं इसके अंदर वो हैं मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान एंड इंडिया। ये 8 मेंबर्स हैं वो सार्क के हैं, सार्क की फुल फॉर्म मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर क्विट इंडिया के बारे में है। क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड, तो कब ये मूवमेंट को लॉन्च किया गया था, 1941 में, 1939, 45 या फिर 42 में, सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए देखिए वैसे तो हिस्ट्री का क्वेश्चन है लेकिन कहीं ना कहीं हिस्ट्री हो या फिर ज्योग्राफी हो या फिर पॉलिटी हो, ये चीज़ें भी न्यूज़पेपर में अपीयर करती है क्योंकि उसके कंसर्निंग कोई ना कोई आर्टिकल दिया होता है। इसी वजह से ये चीज़ें जो कि स्टैटिक पोर्शन में आती हैं फिर भी हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपको पता होना चाहिए। तो क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करें तो ये लॉन्च किया गया था 8 August 1942 को बॉम्बे सेशन में, तो सेशन भी आपको पता होना चाहिए कि किस सेशन में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। महात्मा गांधी जी ने ये लॉन्च किया था ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू और डिमांड करी थी कि ब्रिटिश रूल को ख़त्म करा जाए, दिस इज़ द हाई टाइम जब ब्रिटिशर्स को इंडिया छोड़ देना चाहिए। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, कब स्टार्ट किया गया था, बॉम्बे सेशन था और महात्मा गांधी ने क्या डिमांड रखी थी इसके अंदर। तो हमारा जो आंसर आपको पता ही है वो था डी 1942। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो कि पूछ रहा है द डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज, WHO के जो DG हैं उनका नाम बताइए, बिकॉज WHO एवरीडे बेसिस पे कोविड 19 को लेकर न्यूज़ में रहती है, इस वजह से इनके जो डायरेक्टर जनरल हैं उनका नाम आपको पता होना चाहिए। क्या वो डॉक्टर टेड्रोस एबेनोम है, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा है, डेविड मेल्पस है, उर्सुला वॉन डेर लेन है, सोचिए इन चारों में से क्या हो सकता है। चलिए आई होप आपने सोच लिया होगा, तो काफ़ी बार इनका नाम न्यूज़पेपर में अपीयर कर रहा है एवरीडे बेसिस पे, तो इनका नाम है डॉक्टर टेड्रोस एबेनोम गेब्रेसस। तो ये DG हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के और ही इज़ एन इथोपियन माइक्रोबायोलॉजिस्ट, तो पेशे से माइक्रोबायोलॉजिस्ट है और इथोपिया से आते हैं ये और इंटरनेशनली रिकग्नाइज हैं एज मलेरिया रिसर्चर। ये इनका बेसिकली फील्ड एरिया है, ठीक है। और डीजी कब से सर्व कर रहे हैं, 2017 से ये WHO के अंदर सर्व कर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो कि पूना पैक के बारे में। पूना पैक वाज साइन बिटवीन, पूना पैक किन किन दो लोगों के बीच में साइन किया गया था, क्या वो भीमराव अंबेडकर और नेहरू जी के बीच में किया गया था, भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में किया गया था, ब्रिटिशर्स और गांधी के बीच में किया गया था, या फिर ब्रिटिशर्स और नेहरू के बीच में किया गया था, सोचिए। देखिए ये क्वेश्चन इसलिए बनाया गया क्योंकि अंबेडकर जी को लेकर काफ़ी सारे आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में थे, क्योंकि हमने अभी रिसेंटली ही अंबेडकर जयंती जो थी उसको मनाया है, उसको ऑब्जर्व किया है,
इसी वजह से क्वेश्चन बनाया गया। आंसर मैं आपको बता दूं, जो पूना पैक्ट है ये साइन किया गया था महात्मा गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच में, ठीक है। और ये डेट जो थी वो थी 24 सितंबर 1932, ठीक है। इसमें हुआ क्या था, इस पैक्ट के बाद गांधी जी का जो फास्ट एंड टू डेथ जो चल रहा था वो खत्म हो गया था, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, हमारा जो आंसर है यहाँ पर, आंसर हमारा बी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और जैसे ही मैंने आपको बताया कि हमने अंबेडकर जयंती अभी ऑब्जर्व करी है, इसी वजह से अंबेडकर जी के ऊपर काफी सारे आर्टिकल्स थे और हमने यहाँ पे क्वेश्चंस बनाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर बी आर अंबेडकर वाज द हेड ऑफ विच कमेटी, कौन सी कमेटी के ये हेड थे? क्या ये ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, यूनियन पावर कमेटी के हेड थे, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड थे, या फिर स्टेयरिंग कमेटी के हेड थे? सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए, तो आंसर हमारा है ए, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे वो बी आर अंबेडकर जी थे। अब बाकी भी कमेटीज को देख लेते हैं। यूनियन पावर कमेटी के जो हेड थे वो थे नेहरू, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के भी हेड नेहरू जी थे, और स्टेयरिंग कमेटी के जो हेड थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ध्यान रखिएगा। चलिए, हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। यहां पर एक बार विद इन 2 मिनट्स हम रिविजन कर लेते हैं जो क्वेश्चन हमने करे हैं अभी। रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बिल्कुल मिस मत करिएगा, बिकॉज एग्जाम में रिकॉल करने के लिए आपको मल्टीपल टाइम रिविजन करना काफी जरूरी है। सबसे पहले हमने एचआरडी मिनिस्ट्री का देखा था कि इसने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया, तो मैंने आपको बताया युक्ति पोर्टल है, और इसको यहाँ पे देखा था कि वेरियस जो लर्निंग होगी एक दूसरे की वो शेयर करी जाएगी इस पोर्टल के ऊपर। फिर हमने देखा था जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में, अप्रैल 30, 1919 से मैंने जनरल डायर के बारे में आपको बताया था, और ये रॉलेट एक्ट को प्रोटेस्ट करते हुए कुछ लोग जब आए थे अमृतसर में जलियांवाला बाग में, वहां पर ओपन फायर किया गया था उनके ऊपर। फिर हमने देखा था कि कौन सी कंपनी जो है स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर जो कि आरोग्य सेतु जैसी ऐप जो है सॉफ्टवेयर जो है वो बना रही है ताकि कोविड 19 के लोगों को ट्रेस किया जा सके, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर था वो था एप्पल कंप्यूटर्स बना रहे हैं। फिर हमने देखा था कोविड 19 के लिए जो एक पर्टिकुलर कर्व थी फ्लैटन होना शुरू हो गई थी, मतलब नंबर ऑफ केसेस जो है वो स्टेबलाइज हो गए, ऐसा इंडिया का पहला कौन सा स्टेट बना है? तो मैंने आपको केरला के बारे में बताया था कि इन्होंने ड्रग्स के केस, मलेरिया के ड्रग्स के केस में भी अप्रूवल लिया था आईसीएमआर से, और अभी जो प्लाज्मा थेरेपी की बात हो रही है वहां पर भी आईसीएमआर से यहां पे अप्रूवल लेने की बात करी, तो काफी प्रोएक्टिव तरीके से ये पर्टिकुलर स्टेट काम कर रहा है और इसी वजह से रिजल्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद हमने देखा था इंटरनेशनल डे फॉर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, अप्रैल 12 की है ये, और यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट थी वो गई थी। देन हमने सार्क के बारे में देखा था, 8 मेंबर्स होते हैं सार्क की, फुल फॉर्म आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताने वाले हैं, इसमें 8 कंट्रीज हमने यहाँ पर डिस्कस करी थी। देन हमने देखा था क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में, और इसमें जो डेट थी वो थी 1942 1 अगस्त 8, इसमें क्या हुआ था बॉम्बे सेशन में इसको लेके आए थे हम, और इसके बाद महात्मा गांधी ने कहा था कि वर्ल्ड वॉर टू के दौरान कि ब्रिटिश रूल जो है उसको खत्म होना चाहिए, ये जो था ये पूरी मांग करी गई थी इसमें। फिर हमने डायरेक्टर जनरल देखा था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, उनका नाम है डॉक्टर टेड्रोस एडहनम गेब्रेसस। इसके बाद 9th क्वेश्चन, पूना पैक जो था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में साइन किया गया था, और लास्ट में भीमराव अंबेडकर जी के बारे में कमेटी का नाम पूछा था, तो वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी। यूनियन पावर्स कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी को हेड कर रहे थे नेहरू जी, और स्टेयरिंग कमेटी को हेड कर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये जो फैक्ट्स हैं सारे ये ध्यान रखिएगा, एक बार अपने मार्क्स देख लीजिए कितना आपने स्कोर किया है। तो जितने भी मार्क्स आपने, जितने भी MCQs करेक्ट किए हैं उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। YouTube चैनल पर वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं जिसको आप ट्राई कर सकते हैं, और आपका कोई डाउट है तो टेलीग्राम पे मुझे अप्रोच करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपना। यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।